हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम देख रहे हैं पेडागोजी का पार्ट 5। मैंने इससे संबंधित 4 और वीडियो बना चुका हूँ जो बहुत ही आईएमपी है। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन के को लेकर वीडियो बना रहा हूँ जो आने वाले केवीएस एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम और यूपी टेट एग्ज़ाम और सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पे पेडागोजी से प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही आईएमपी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न तथा बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही आईएमपी है, सेलेक्टेड प्रश्न है। तो आप ये पूरा सीरीज़ देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही। ये देखिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दें, बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे ही। तो जितने भी हैं गिने चुने दार्शनिक पेडागोजी से संबंधित, सबको हमको याद रखना है, पियाजे हों या थॉर्नडाइक हों या जो भी हैं, सभी को हमको याद रखना है और उनकी थ्योरी, उनके पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो आत्मसात्करण तथा समायोजन। संज्ञात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात्करण तब होता है जब मनुष्य को नई या अपरिचित जानकारी का सामना करना पड़ता है और इसे समझने के लिए पहले से प्राप्त जानकारी का संदर्भ लेना होता है। आवाज को किसी के पर्यावरण में नई जानकारी लेने और नई जानकारी में फिट होने के लिए पूर्व मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आत्मसात्करण तथा समायोजन, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये भी एक महान दार्शनिक के विचार हैं, तो हमको याद रखना है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ एक अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही और सटीक ऑप्शन सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना, ये सही होगा। प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षण और शिक्षण के अभिन्न अंग के रूप में मूल्यांकन की पहचान करता है और सीखने के साथ साथ उत्पाद की प्रक्रिया का आकलन करने के महत्व पर बल देता है। पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के मूल्यांकन पर सामान्य दिशा निर्देश शामिल होते हैं और मूल्यांकन उद्देश्यों की एक श्रृंखला का सुझाव देता है जिनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शिक्षार्थियों और अभिभावकों को साथ साझा किए जाने के लिए निरंतर और असंगठित शिक्षक अवलोकन शामिल होना चाहिए। रेवना का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज परीक्षण कार्यस्थान परीक्षण का उदाहरण है। फिर एक दार्शनिक, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज प्रशिक्षण, ये इंग्लिश नाम है, इसको याद रखना है, ज़्यादातर इंग्लिश नाम को ही याद रखना है। हिंदी का जो उनका ट्रांसलेशन होता है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो हमको इंग्लिश नाम ही याद रखना ज़्यादा बेटर है। सही आंसर है इसका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। महान दार्शनिक पेडागोजी के वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप के लिए किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाला कार्य के बीच अंतर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शिक्षण की एक अनिवार्य विशेषता यह है कि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को बनाता है। शिक्षण से विभिन्न आंतरिक विकास प्रक्रियाओं को जागृत किया जाता है
जो केवल तब ही काम करने में सक्षम होती हैं जब बच्चा अपने पर्यावरण में लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और अपने साथियों के साथ सहयोग कर रहा है। एक बार इन प्रक्रियाओं के आंतरिक होने के बाद वे बच्चे की स्वतंत्र विकास उपलब्धि का हिस्सा बन जाती हैं। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह स्वतंत्र समस्या हल करने, निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक विकास स्तर और वयस्क मार्गदर्शन के तहत समस्या सुलझाने के माध्यम से संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर है। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र उन कार्यों को परिभाषित करता है जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं लेकिन परिपक्वता की प्रक्रिया में हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप के किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वस्तु स्थायित्व, छुपी वस्तुओं को पुनर्प्राप्त करना एक साक्ष्य है कि शिशुओं ने संज्ञात्मक कार्यों के मास्टर बनना शुरू कर दिया है। ये एक वस्तु स्थायित्व है, यह समझ है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा नहीं जा सकता। यह विकासवादी मनोविज्ञान मनोविज्ञान के उपक्षेत्र के क्षेत्र में अध्ययन की एक मौलिक अवधारणा है जो शिशुओं और बच्चों की सामाजिक और मानसिक क्षमताओं के विकास को संबंधित करती है, संबोधित करती है। मानव विकास में वस्तु स्थायित्व समझ के समय पर वैज्ञानिक सहमति नहीं है। तो वस्तु स्थायित्व सही आंसर है। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? सही उत्तर हम देख लेते हैं, ए और सी। ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध। ए और सी सही है, हमको याद रखना है कोलबर्ग के अनुसार। तो ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और सी है अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास और अच्छे पारस्परिक संबंधों का प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों द्वारा अनुसरण किया जाता है। कोलबर्ग के 6 चरणों को आमतौर पर 2 चरणों में पारस्परिक संबंधों का प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों द्वारा अनुसरण किया जाता है। कोलबर्ग के 6 चरणों को आमतौर पर 2 चरणों के 3 स्तरों में समूहीकृत किया जा सकता है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्चात पारंपरिक। स्टेज 1 पूर्व पारंपरिक आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है, मैं दंड से कैसे बच सकता हूँ, और दूसरा स्वहित अभिविन्यास। स्टेज 2 पारंपरिक में 2 चरण होते हैं, पारस्परिक समझौता और अनुरूपता, सामाजिक मानदंड, और चौथा प्राधिकरण और सामाजिक क्रम अभिविन्यास बनाए रखना, कानून और व्यवस्था, नैतिकता। स्टेज 3 पश्चात पारंपरिक में 2 स्टेजेस होते हैं, पांचवा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और छठवां सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसलिए विकल्प भी सही है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार, सबसे पहले आएगा वायलिन वादक, फिर कवि, फिर चिकित्सक, फिर मूर्तिकार। संगीत आत्मक में आएगा वायलिन वादक, भाषिक में आएगा कवि, अंतः व्यक्तित्व में आएगा मूर्तिकार, स्थानिक में आएगा खिलाड़ी, सॉरी स्थानिक में आएगा मूर्तिकार और अंतः व्यक्तित्व में आएगा चिकित्सक। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ही एमपी है। संगीत संगीत में आ जाएंगे वायलिन वादक, भाषिक में आ जाएंगे कवि, अंतर व्यक्तित्व में आएंगे चिकित्सक और स्थानिक में आ जाएंगे मूर्तिकार। भूख एवं प्यास क्या है? प्राथमिक उद्देश्य। भूख और प्यास प्राथमिक उद्देश्य हैं, जीव के अस्तित्व के लिए प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक है। शरीर में असंतुलन होने पर इस तरह के उद्देश्यों का ट्रिगर किया जाता है। बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? आईएमपी है, किसने किया? बाल अंतर्बोध मतलब एपरसेप्शन,
का निर्माण किसने किया? आंसर देख लेते हैं, तो बेलक। द चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बच्चों का मानसिक बोध परीक्षण, एक प्रक्षेपात्मक व्यक्तित्व परीक्षण है जो सामान्य सामाजिक परिस्थितियों में जानवरों या मनुष्यों की तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत मानकीकृत उत्तेजना के बच्चों के प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1949 1949 में लियोपोल्ड बेलक ने बाल मानसिक बोध परीक्षण विकसित किया था। तो याद रखना है, बेलक ने जो सरनेम है वो याद रखना जरूरी है, नाम याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन सरनेम से ही प्रश्न आते हैं, सरनेम ज़्यादातर दिया होता है। तो बेलक मानसिक बोध परीक्षण विकास किया। निम्न में से कौन सा कारक किसी बच्चे की स्मृति में सुधार करने में मदद नहीं करेगा? तो हम उत्तर देख लेते हैं, प्रेरित भूल का सिद्धांत। प्रेरित भूल का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कारक किसी बच्चे की स्मृति में सुधार करने में मदद नहीं करेगा? प्रेरित भूल का सिद्धांत मदद नहीं करेगा, लेकिन पुनरावृत्ति और अभ्यास मदद करेगा, लय से मदद लेना करेगा, विषय वस्तु का समुचित समूह करेगा। खाली जो चौथा है प्रेरित भूल का सिद्धांत, वो नहीं करेगा। प्रेरित भूलने का सिद्धांत स्थिति को बेहतर बनाने में मदद नहीं करेगा। प्रेरित भूलना एक सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है जिसमें लोग अवांछित यादें भूल जाते हैं, या तो जानबूझकर या बेइरादे से। तो ये चौथा वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। बाकी तीनों मदद करेगा सुधार में, और ये चौथा वाला, ये इसको सोच समझ के प्रेरित करके किसी चीज़ को भूलने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? शारीरिक दर्द पूछा गया है, नहीं है तो शारीरिक दर्द नहीं है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, और उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर है शारीरिक दर्द। शारीरिक दर्द पुनर्बलन का प्रकार नहीं है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, लेकिन शारीरिक दर्द पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा हमारी अधूरी इच्छाओं का भंडार है? आईडी। आईडी मनोविज्ञान पूरी तरह से अचेत हिस्सा है जो हमारी अपूर्ण इच्छाओं को भंडारगिरी के रूप में कार्य करता है। आईडी व्यक्तित्व संरचना का संगठित हिस्सा है जिसमें व्यक्ति की बुनियादी सहज ड्राइव शामिल है। आईडी व्यक्तित्व का एकमात्र घटक है जन्म से मौजूद रहता है। यह हमारी शारीरिक जरूरतों, इच्छाओं, आवश्यकताओं और आवेगों, विशेष रूप से हमारे यौन और आक्रामक ड्राइव का स्रोत है। तो सही आंसर होगा आईडी। सामंजस्य का अर्थ संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप करना या उनसे तालमेल बैठाना। आवश्यकताएं। समायोजन का अर्थ जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में खुद को समायोजित करना है। समायोजन पर्यावरण में बाधाओं से चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं या जरूरतों को संतुलित करने की व्यवहार प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 15, इनमें से कौन सा मानसिक मंदता का एक लक्षण नहीं है? पूछा गया है नहीं है, नहीं है को याद ध्यान देना है, कौन सा नहीं है? तो खराब पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा 25 से 30 के बीच IQ शारीरिक ए मानसिक मंदता का लक्षण है। धीमी गति से सीखना तथा दिनचर्या की गतिविधियां करने में असमर्थ, ये भी मानसिक मंदता का निशानी है। वातावरण के साथ खराब अनुकूलन है, लेकिन खराब पारस्परिक संबंध नहीं है मानसिक मंदता का लक्षण। मानसिक मंदता एक विकास विकलांगता है जो पहली बार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दिखाई देती है। मानसिक मंदता का अर्थ आयु, उपयुक्त बौद्धिक और अनुकूल व्यवहार में पर्याप्त सीमाएं हैं। एक मानसिक रूप से मंद बच्चा एक धीमा शिक्षार्थी है और दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों को करने में असमर्थ है। मानसिक मंदता वाले बच्चों के अनुकूली व्यवहार में काफ़ी कमी होती है, वे वातावरण के साथ अच्छा अनुकूलन रखते हैं। अतः डी ऑप्शन मानसिक मंदता का एक लक्षण नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, 15 15 क्वेश्चन लाता रहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, CTET KVS UPTET सभी तरह के TET एग्जाम में ये आएंगे, टीचर भर्ती एग्जाम में ये आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।